हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं साहिल खंडेलवाल दीपक सर के साथ में प्रेजेंट कर रहा हूं अब की बार CGL और CHSL दोनों पार। तो जितने भी आप सभी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, तो आपको पता है एग्जाम की डेट करीब आ चुकी है, आपके पास अंतिम मौका है। अंतिम कंप्लीट कोर्स का बैच चल रहा है जो कि शुरू हो चुका है, तो अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो इसे तुरंत ज्वाइन कर लें। सारी चीज बताएंगे कि क्या क्या डेट्स हैं, कैसे कैसे आपको ज्वाइन करना है, तो बस जुड़े रहिए। और क्या नया आपके लिए आ रहा है, प्रैक्टिस के लिए क्या कुछ नया आ रहा है, कैसे आप अपने टेस्ट लगाएंगे वहां पर, और भी बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल हैं, बहुत सारे एजुकेटर्स अवेलेबल हैं। तो चलते हैं, दीपक सर से आगे की जानकारी जानते हैं, चलिएगा। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। जैसा कि साहिल सर ने आपसे कहा कि अंतिम मौका है, अंतिम मौका इसलिए क्योंकि इसके बाद कोई बैच नहीं आएगा। यह लास्ट बैच है और इसके बाद समय भी नहीं है। 16 मार्च से आपके CHSL के एग्जाम चालू हैं, आपके 3 मार्च से जो है आपको पता है कि CGL के एग्जाम चालू हैं। तो अगर ले दे के मैं बात करूं तो आपके पास में दिन मात्र 45 दिन है। तो ये 45 दिन वो महत्वपूर्ण 45 दिन जो आपको 2020 के शुरू में ही इतना विश्वास दिला देंगे कि आप लोग सिलेक्शन ले लेंगे मेरे भाई, ठीक है ना। उसके बाद एक बार अगर आपने दरवाजे के अंदर एंटर कर लिया ना, तो उसके बाद आपकी चॉइस है कि आप आगे क्या पाना चाहते हैं। पर एक सुनहरा मौका आपके पास में है, आप लोग डेडिकेशन के साथ में बने हुए हैं, यूट्यूब पर क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं, अनअकेडमी पेड पर जो बैच चल रहा है, जो टेस्ट सीरीज चल रही है वो बिल्कुल अनबीटेबल है। यानी कि अगर आपने उसको ज्वाइन कर लिया ना और लगा लिया उसको, तो डेफिनेटली आप लोग सिलेक्शन ले जाएंगे, क्योंकि आपकी जो फेवरेट टीम है यानी कि साहिल सर उसके अंदर मैथ्स पढ़ा रहे हैं, मैं आपको रीजनिंग पढ़ा रहा हूं, हर्ष सर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, और बाकी की फैकल्टीज जो है सारी चीजें मिल जाएगी, जीके जीएस करंट अफेयर्स वगैरह सब कुछ आपको उस बैच के अंदर मिल जाएगा। क्यों साहिल कैसे होना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट है। तो सबसे पहले मैं चलूंगा सीधी सी बातों पर। तो सबसे पहली बात कि अगर आपको अपने 2019-2020 का जो CHSL का नोटिफिकेशन आया था और इस एग्जाम में आपको सिलेक्शन लेना है, वो भी श्योर सिलेक्शन, तो आपको एक बेस्ट स्ट्रेटजी की आवश्यकता है। ये आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपका जो एग्जाम है 16 से 27 मार्च के बीच में होने वाला है। CHSL की अगर मैं बात करूं तो 16 से 27 मार्च के बीच में आपका एग्जाम होने वाला है। साथ के साथ आपकी ये सिलेबस है जिसमें आपका पैटर्न ये आएगा कि भाई रीजनिंग आपकी 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, मैथ 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, इंग्लिश 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, यानी कि 100 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स हैं और मात्र 1 घंटा। तो आपकी फैकल्टीज आपको यही सिखाएगी कि आपको 1 घंटे में कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, लास्ट टाइम में कैसे कैसे क्वेश्चन आपको करने हैं जिससे कि आप सिलेक्शन ले सकें। साथ के साथ आपका जो बैच है वो अभी स्टार्ट हुआ है, यानी कि कुछ क्लासेस तो 3-4 दिन ही हुई हैं स्टार्ट हुए। तो आप जो मेरी क्लास और दीपक सर की क्लास चल रही है जिसमें मैं आपको अर्थमेटिक एडवांस पूरी मैथ कवर कर रहा हूं, साथ के साथ जल्द ही प्रैक्टिस कोर्स भी लेके आने वाला हूं जहां पर हम प्रीवियस ईयर करेंगे। और मैं ये गारंटी से कहता हूं आपसे कि अगर आपने CGL के मैथ के अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिए तो आपको कोई नहीं रोक सकता, आपके मार्क्स मैथ में मार्क्स आएंगे ही आएंगे। तो आप बस अपने आप को मोटिवेट रखें और अपनी तैयारी को अलग लेवल पर ले जाएं। सर रीजनिंग के अंदर तो मैं इनको श्योरिटी के साथ बोल रहा हूं कि 50 में से 50 नंबर दावे ठोक के बोलता हूं, क्योंकि हर बार स्टूडेंट्स के आते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप ही बढ़ जाता है, टीचर का भी और स्टूडेंट्स का भी जो आने वाले अपकमिंग जो पढ़ने वाले हैं, कि बिल्कुल अगर आए हुए स्टूडेंट्स के 50 में से 50 हैं और दिलाए हैं मेरे भाई, और एक नहीं दो नहीं हजारों बच्चों के आए हैं, तो मेरे भाई आप लोग भी डेफिनेटली लेके आ सकते हो। बस थोड़ा सा डेडिकेशन चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए, आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ाने की गारंटी मेरी है, क्योंकि कम से कम टाइम पीरियड में स्कोर को कैसे अचीव कैसे टारगेट करना है, कैसे अचीव करना है, वो आपको सिखाया जाएगा इस बैच के अंदर। यही तो क्वालिटी है, आपको एक अगर एक्सपीरियंस टीचर मिलते हैं तो आपको यही चीजें सीखने को मिलती हैं कि आप किस तरह से अपना सिलेक्शन एंश्योर कर सकते हैं। और आपको मैं यही बताऊंगा कि रीजनिंग ऐसी सब्जेक्ट है जहां पर आपका स्कोर बहुत ऊंचा हो जाएगा और कम समय में हो जाएगा, तो लेस टाइम में आपको मैक्सिमम स्कोर करना है, तो रीजनिंग एक बेटर ऑप्शन है जिसे आप अच्छे तरीके से पढ़े और अच्छे टीचर से पढ़े। साथ के साथ आपको मैं बता दूं कैसे ज्वाइन करना है, तो फटाफट से ये जान लीजिए आप कि आपको कैसे इसको लेना है। ये जो कोर्स चल रहे हैं हमारे अनअकैडमी प्लस पर मिलेंगे, ना केवल हमारे मिलेंगे, आपको बहुत सारे एजुकेटर्स के मिलेंगे, तो आप अपनी चॉइस से चूज कर सकते हैं विच वन इज बेटर। और आपको मैं यही कहूंगा कि आप अपने मेंटोर को चुनिए और अपना बेस्ट देकर आइए। तो कैसे लेना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद में आप उसे इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद में आपको मैं ये बता दूं आप अपना गोल सेलेक्ट
सेलेक्ट कर लेंगे, आपका जो गोल है वो है एसएससी एग्जाम, तो आप उसका एसएससी एग्जाम सेलेक्ट कर लेंगे। एसएससी एग्जाम सेलेक्ट करने के बाद में आप गेट सब्सक्रिप्शन पर चले जाएंगे। गेट सब्सक्रिप्शन पर जाने के बाद में आपके पास जो अगला ऑप्शन आएगा कि क्या रेफरल कोड डालना है, उससे पहले आएगा कि आपको कितने महीने का लेना है। तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप 12th मंथ से नीचे का तो ना लें, क्योंकि 12th मंथ आपके लिए अफोर्डेबल है और मिनिमम कॉस्ट रखता है, तो ये सबसे बेटर ऑप्शन है। क्योंकि आप एक साल के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं, आपको और भी अपने सपने पूरे करने हैं, और भी अपनी तैयारी करनी है एसएससी के एग्जाम की, तो एसएससी का एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सारी तैयारी करेंगे और अपने भाइयों और बहनों को भी करवा सकते हैं। तो आपको जो कोड यूज करना है, आपको कोड यूज करना है वाईफाई एसएससी, इसको आप दिमाग में बैठा लें, और ये कोड से आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और आप अपना 10% का डिस्काउंट पाकर उसको अप्लाई कर देंगे तो रेफरल कोड अप्लाइड लिखा आ जाएगा और आपका जो प्राइस है वो अपने आप रिड्यूस हो जाएगा। आप पेमेंट कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई के माध्यम से। दीपक सर आपको बेनिफिट बताने वाले हैं, चलिएगा दीपक सर। दोस्तों इसके जो मेन बेनिफिट्स हैं वो आप सभी लोग जानते ही हो, और एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं कि आप लोग जितनी भी फैकल्टीज अवेलेबल है ना, उन सभी फैकल्टीज के जितने भी हैं जो एसएससी के लिए एप्लीकेबल हैं, तो आप लोगों को एक सिंगल सब्सक्रिप्शन के माध्यम से आप लोगों को वो सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। ठीक है, आप लोगों को बस रेफरल कोड यूज करना है WIFI SSC। आपको यहाँ पर 3 सेशन के बाद में डाउट सेशन मिलेगा, आपको यहाँ पर PDF मिलेगी, आपको डायरेक्ट इंट्रक्शन मिलेगा, प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे, टॉप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे करवाए जाएंगे, आपको चैप्टर्स के बाद में क्विजेज मिलेगी जिसके थ्रू आप लोग जो है अपनी स्पीड को और बूस्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ दोस्तों होमवर्क क्वेश्चन भी आपको यहीं पर मिलेगा। तो ये सारे बेनिफिट्स जो हैं दोस्तों आप लोगों के लिए हैं। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहां पे बता दूं कि CHSL के लिए टेस्ट सीरीज, ठीक है, CHSL के लिए जो टेस्ट सीरीज है वो टेस्ट सीरीज भी दोस्तों आपको इसके अंदर ही मिल जाएगी। ठीक है ना, लगभग 50+ टेस्ट आपके पास अवेलेबल हैं CGL और CHSL के लिए, तो दोस्तों आप लोग आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, ज्यादा समय नहीं है, आप लोग बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करिए, आप तुरंत आज ही ज्वाइन कर लीजिए ये टेस्ट सीरीज, क्योंकि ये बहुत ही बेनिफिशियल है। ठीक है, ये आपको आपके मंजिल तक पहुंचाएगी, आप लोग मान लीजिएगा। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को एक बार शेयर कर देंगे आप सभी बच्चे, और आप लोगों के कोई डाउट्स हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। यहाँ पे प्रवीण सिंह जी बोल रहे हैं कि सर मैं लेकर आया था 50 out of 50 सर, लास्ट ईयर CGL में मेन में मेरे जो हैं मतलब प्री के अंदर मेरे 50 out of 50 मार्क्स हैं। तो बिल्कुल भाई डेफिनेटली लेके आओगे, क्यों नहीं लेके आओगे यार, पढ़ाया जाएगा धमाकेदार, तो लेके भी आओगे ना। तो देखो क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, शेड्यूल आपको पता है कि कितना टाइट है यूट्यूब पर। ठीक है, हर टीचर के पास में एक फिक्स स्लॉट्स अवेलेबल हैं, क्योंकि सारे एग्जाम्स को देखना पड़ता है, कवर करना पड़ता है। तो दोस्तों आप लोग के लिए एक बेहतरीन मौका है, देखो चीज़ें बार बार नहीं आती, ये आप लोग जान लो। ठीक है ना, समय बहुत कीमती है, ये 45 दिन अभी भी आपके पास में है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त हैं। आप लोग इसमें ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लगा सकते हैं अनअकैडमी पर, आपके पास 50+ टेस्ट अवेलेबल हैं, ये सारी चीजें अवेलेबल है। रेफरल कोड आपको पता ही दिया, कौन सा वाईफाई एसएससी आपको यूज करना है, ठीक है ना, WIFI SSC, ये पूरा प्रोसीजर आपको समझा दिया कैसे लेना है। तो मैं कह रहा हूं एटलीस्ट अगर आप लोग जो है सिर्फ अगर CGL के लिए ही देख रहे हैं या CHSL के लिए देख रहे हैं, तो भी आपको मिनिमम 6 month का पैकेज लेकर इसको ज्वाइन कर लेना चाहिए, वो भी अफोर्डेबल रहेगा। ये सारी बेहतरीन फैकल्टीज आपको यहाँ पर पढ़ा रही हैं, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी, तो आप लोग आज ही ज्वाइन कर लीजिएगा वाईफाई SSC रेफरल कोड लगाकर। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस, हैव अ नाइस डे।